हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब स्टडीज़ पे। आज हम देखेंगे कि STCW कोर्स को कैसे किया जाना है। जैसे कि आपको मालूम है, STCW कोर्स 3 स्टेप्स में करना है। सबसे पहले तो आपको ई लर्निंग करना है, फिर ऑनलाइन क्लासेस करनी है, फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। आइए सबसे पहले जान लें कि ई लर्निंग पोर्टल में रजिस्टर कैसे करें। सबसे पहले आपको ई लर्निंग में रजिस्टर करना होगा। उसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में दी हुई है। और आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और उसे सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दें, क्योंकि हमने इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि आप ये बटन दबा के हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। हमें भी इसकी वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि और नए नए वीडियो बनाने का। तो चलो चलते हैं जानते हैं कि हाउ टू एनरोल। अभी सबसे पहली चीज़ है इसमें कि एनरोल कैसे करने का है। तो एनरोल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोलें, और उसमें जाने के बाद सबसे पहले आपको गूगल पे जाके डिजी शिपिंग टाइप करना है और सर्च करना है। और जो पहला ऑप्शन डिजी शिपिंग आता है, उस पर क्लिक करना है। उसमें आपको ऊपर ई लर्निंग लिखा हुआ दिखेगा, उसमें मॉड्यूलर कोर्सेज पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, मॉड्यूलर कोर्सेज पर क्लिक करना है। और मॉड्यूलर कोर्सेज पर क्लिक करते ही आपके सामने ई लर्निंग की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें आपको ऊपर कैमरे का आइकन आएगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ई लर्निंग में एनरोल करना है। तो एनरोल वाला बटन दबाएं। एनरोल वाला बटन दबाते ही आप एक अपने कोर्स को बुक करने वाले स्लॉट पर पहुँच जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना इंडोस नंबर लिखें। इंडोस नंबर लिखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप नीचे जाके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाए, उसके बाद नीचे जाके आपको जो कोर्स करना है, एडवांस कोर्स करना है, रिफ्रेशर कोर्स करना है कि बेसिक कोर्स करना है, उसकी पूरी लिस्ट आएगी। तो उस लिस्ट में से आपको जो आपका जो फेवरेट कोर्स है, जो भी आपको करने वाला है, डिजायर्ड कोर्स है, वो कोर्स सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड टाइप कर दें यहाँ पे। वो टाइप करने के बाद आप वेरीफाई कर दें। तो जैसे ये टाइप करके आप इसे वेरीफाई करेंगे, वैसे ही आपको एक ईमेल आईडी आएगा। आपको एक ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करते ही आपके ईमेल पे आ जाएगा। और ईमेल पे आते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका ये कोर्स रजिस्टर्ड हो चुका है। जैसे कि सपोज़ मैंने अभी एडवांस फायर फाइटिंग सेलेक्ट किया था, तो रिफ्रेशर कोर्स इन एडवांस फायर फाइटिंग सेलेक्ट हो चुका है, जिसका कोड नंबर इतना है और जिसे कम मिनिमम आपको 15 घंटे तो पढ़ना ही है। तो 15 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि 15 घंटे तक तो आपको पढ़ना ही है। बिना 15 घंटे किए हुए आपको एग्ज़ाम देने, असेसमेंट देने को नहीं मिलेगा। तो जब तक ये 15 घंटे कंप्लीट नहीं होते, तब तक लिए आपका लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, ई लर्निंग का कोर्स ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसमें एक खास बात मैं ये बता दूँ कि जब असेसमेंट होगा तो 15 घंटे बाद ही असेसमेंट होगा, जिसमें कि आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसमें 45 क्वेश्चंस में से आपको 60% राइट करने हैं। इसका मतलब है कि आपको 27 क्वेश्चंस राइट करने हैं, तभी जाके आपका ई लर्निंग का असेसमेंट कंप्लीट होगा। तो ध्यान रहे, 45 क्वेश्चंस आएंगे 45 मिनट के लिए, जिसे आप 27 क्वेश्चंस इसमें से राइट करना है। तो ऐसे करके फिर आपको नीचे ही उसी ईमेल में ही आपको आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड मिल जाएगा। तो आप वापस से डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाएं, और डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाने के बाद आप फिर से ई लर्निंग पे जाएं। उस ई लर्निंग पे जाने के बाद मॉड्यूलर कोर्सेज में जाएं। मॉड्यूलर कोर्सेज में जाने के बाद आपको ई लॉगिन आएगा। उस लॉगिन में आपको जो पासवर्ड और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको मेल में आया था, उसे एंटर कर दें। जैसे ही आप उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, वैसे ही आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड वही है जो आपको ईमेल में आया था। तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें, और नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया हुआ है उसको एंटर करें और साइन इन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे इतना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वैसे ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जो कि आपका फेस वेरीफिकेशन के लिए रेडी करेगा आपको। नीचे लिखा हुआ वेरीफाई फ़ोटो का बटन दबाएँ। और वेरीफाई फ़ोटो का बटन दबाने के बाद आपका फ़ोटो वेरीफाई होगा, आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा जो फ़ोटो आपने दिया हुआ है उससे, और आपका मेन सिलेबस खुल जाएगा। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। तो फिर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप उन्हें कम्प्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोर्स में लिखा हुआ आया था कि 15 घंटे तक आपको कोर्स करना है, तो फिर इसलिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट में आप नेक्स्ट बटन दबाएँ। क्विज आएगा, क्विज को आंसर करें, कोशिश करें 100% तक पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद असेसमेंट पे जाएं।
ध्यान रहे क्विज़ आपको कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट बटन दबा के धीरे धीरे आपको रीड करते हुए जाना है। और जब आपको यहाँ पे 100% आपका कंप्लीट हो जाए और जब आपके 15 घंटे कंप्लीट हो जाएं उसके बाद ही असेसमेंट पे जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि 15 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप असेसमेंट पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, तो ये बात ध्यान से समझ लें। उसके बाद जब आपका 15 घंटे कंप्लीट हो जाए तो असेसमेंट पे जाएं, और तब तक के लिए आप अपना क्विज़ आंसर करें और पूरा सिलेबस जो दिया हुआ कंप्लीट करें ताकि आपका 100% तक कंप्लीट हो जाए। अभी आप चाहें तो इस टॉपिक को धीरे धीरे डेली दिन में 4-4 घंटा करके 4 दिन में या 3 दिन में भी 15 घंटे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता कहाँ से चलेगा कि कितने घंटे बचे हैं, तो उसके लिए आपको जो ऊपर रिमोट का मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि अभी 15 घंटे में से कितने घंटे बचे हैं और आपने हर स्लाइड पर कितने घंटे बिताए हैं। तो इसका रिपोर्ट मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया वैसे ही आपके सामने एक PDF फाइल आ गई है जिसमें कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक इसमें सिर्फ 10 मिनट और 45 सेकंड्स ही हुए हैं मेरा टाइम, और मुझे 15 घंटे और करने हैं। तो ये 15 घंटे करने के लिए मैं हर 4-4 घंटे करके अगर 3 दिन भी करूँ तो भी मेरा हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से भी मैं चल सकता हूँ और इसमें मेरे को सारी डिटेल दिखाई देती है। ई लर्निंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमें ऑनलाइन कोर्स की बुकिंग करनी पड़ती है। ऑनलाइन कोर्स की बुकिंग करने के लिए आपको या तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या तो उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा, या तो उनके यहाँ फिज़िकली जाके उनसे अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी। अच्छा, इस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़िज़िकल जाके इंस्टीट्यूट पे सीट बुक करना अभी कोविड के टाइम में पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ आसपास वाले कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं तो अलाउ कर रहे हैं, फ़ोन पे भी कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ़ोन पे भी बुकिंग ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हून मैरीटाइम हो गया, जैसे कि BP मरीन हो गया, जैसे कि TS रहमान हो गए, जैसे कि NAMAC हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि अभी भी ऑनलाइन बुकिंग ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी वेबसाइट उनकी वेबसाइट पर जाके ही बुक करना पड़ेगा कोर्स, और फीस पे करके अपना कोर्स बुक करना है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं कि आप जैसे BP मरीन की वेबसाइट पे जाएंगे तो BP मरीन की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन वाला बुकिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको उस बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसमें वो कोर्स सेलेक्ट करना है और उसकी डेट सेलेक्ट करनी है। जब आप ये कर देंगे तो आपके सामने एक पेमेंट का पेज ओपन होगा जिसमें कि दिखाया जाएगा कि ये कोर्स 4 घंटे का है। जैसे कि मैंने एडवांस रिफ्रेशर एडवांस फायर फाइटिंग वाला सेलेक्ट किया था, तो फिर इसमें मेरे को दिखा रहा है 4 घंटे का कोर्स है, 3,500 की फ़ीस है। ये करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है फ़ीस की। ऑनलाइन पेमेंट करते ही या तो आपको ईमेल आएगा या फिर आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एक दो दिन के अंदर, और उसके बाद आपका जो जिस दिन का आपने कोर्स सेलेक्ट किया उस दिन का आपका एक ग्रुप बन जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको लिंक भेजा जाएगा जिस दिन क्लास करनी है। तो क्लासेज यहाँ पे कैसे होती हैं, क्लासेज या तो आपकी गूगल मीट वाले सॉफ्टवेयर पे होगी, या तो जूम ऐप वाले सॉफ्टवेयर पे होगी, या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम वाले ऐप सॉफ्टवेयर पे होगी। तो ये वाला आपको पहले बता दिया जाएगा कि क्लासेस कैसे होनी है, प्रोसीजर अब तक पहुंचा दिया जाएगा वाया व्हाट्सएप या फिर ईमेल। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे बंद चल रही हैं इसलिए अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे सिचुएशन ठीक हो रही है तो फिर वहाँ पे शायद से इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल करा सकता है। बट फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल कोर्सेज तो फिलहाल बंद चल रहे हैं और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही हो रही हैं। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऐसा है कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ही किया है सिर्फ और तो आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन और प्रैक्टिकल कोर्स दोनों किए हुए हैं तो आपके सर्टिफिकेट को 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट डाला है और हार्डवर्क किया है। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करता है, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसके आगे चलते अभी हम लोग एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो एग्जिट एग्ज़ाम कैसा है कि आपको अपियर होने से पहले जब आप ई लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट को बताना है कि मुझे एग्जिट एग्ज़ाम अपियर करने जाना है। तो इससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूट आपकी सीट बुक कर देगा एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगली बार जाके एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके आप पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जिट एग्ज़ाम देने में आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, 3 अटैम्प्ट में आपको एग्जिट एग्ज़ाम पास करना है। उसके बारे में और जानकारी हम आगे देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप डी शिपिंग की वेबसाइट पर जाएं और जहां पे एग्ज़िट एग्ज़ाम लिखा हुआ है उस मार्क पे क्लिक करें। जैसे ही आप उस एग्ज़िट एग्ज़ाम मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और वेबसाइट खुलेगी जिसमें कि आपको इंडोस नंबर पूछेगा, तो आप अपना यहां पे अपना इंडोस नंबर डाल दें।
इंडोस नंबर डालते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। हम इस पेज के ऊपर थोड़ा जूम करके पता करते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें आपका पहला नाम लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, ईमेल आईडी लिखा होगा और इंडोस नंबर लिखा होगा। तो इसमें आगे चल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पेज में। तो इस पेज में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक डाउनलोड करना है एक सॉफ्टवेयर आपको। तो आप उस डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करते ही एक सॉफ्टवेयर आपके उस पर डाउनलोड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर आपको सेव करना पड़ेगा, वो पूछेगा तो आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद लगभग फाइल कुछ ऐसी दिखाई देगी जो नीचे दो नंबर पर लिखी हुई है। तो उस वाले उस फाइल को आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने को जाएं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको डायरेक्ट इंस्टॉल अलाउ नहीं करेगी। तो इसके आपके सामने एक वार्निंग वाला बॉक्स खुलेगा जिसमें कि मोर इन्फो लिखा हुआ, तो पहले वो बटन दबाएं और उसके नीचे थोड़ा जाने के बाद आपको रन एनीवे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद रन एनीवे वाली बटन दबाएं। जैसे आप ये खुलेंगे आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी जिसे कि कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, लेकिन ऐसे करके एक ब्लैक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पर आपका इंडोस नंबर मांगेगा। तो आप यहाँ पर आके अपना इंडोस नंबर टाइप करें, जो भी है जैसे कि 11GL जो भी है आपको वो टाइप करें। और उसको करने के बाद आपको फिर से इसी स्क्रीन पे आना है जहाँ से हम लोग गए थे, और वहाँ पे ये जो नीचे ब्लू कलर की रिफ्रेश बटन दिख रही है वो बटन दबानी है। रिफ्रेश बटन दबाने के बाद ही आपका केस आगे जाएगा और आपको अगला स्लॉट मिलेगा। तो ये बटन दबाते ही आपके सामने कोर्स डिटेल के नाम पे लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने रिफ्रेशर एडवांस फॉर सेटिंग का क्लिक किया हुआ है तो उसमें कोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने ये कोर्स का आज एग्जिट एग्जाम देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको टेक टेस्ट पे आएगा जो ऑप्शन, तो आपको वो बटन दबाएं, टेक टेस्ट दबाएं। ये दबाते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, 30 मिनट में आपको आंसर करना है, पासिंग मार्क्स आपके 15 हैं, इंडिविजुअल पासिंग क्वेश्चन का 1 मार्क्स का है। तो ये सब डिपेंड करता है, आपको देख लेना है क्योंकि किसी किसी कोर्स का पासिंग मार्क्स अलग अलग चल रहा है, वैसे ज़्यादातर सबके वैसे ही हैं। तो आप ये करते ही आपके सामने आपका कैमरा खुलेगा जिसमें कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि क्लिक हियर टू टेक योर फोटो। तो आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो ले लेनी है। जैसे ही आपको वो फ़ोटो दिख जाएगी ले लेंगे तो वो फ़ोटो के बाद ही आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। नीचे टेक टेस्ट करके आता है, उस बटन दबानी है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ DCP फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कि आपको सही जवाब ब्लू या ब्लैक या येलो या ग्रीन से कोई एक सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट बटन दबानी है। ऐसे करके जब आपके 30 सवाल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपका ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको इंडोस नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, कितने मार्क्स मिले ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 30 में से अगर 15 से कम मिले हैं तो फेल हो जाता है, 15 या 15 के ऊपर मिले तो पास हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको इन्फॉर्म करना है, इस चीज़ की फ़ोटो लेके आपको इंस्टीट्यूट में भेजनी है व्हाट्सएप पे कि बाई मेल कि हमने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम और हमारा सर्टिफिकेट जनरेट किया जाए। तो एक या दो दिन में आपका सर्टिफिकेट मास्टर चेकर पे अपलोड हो जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हो गए हैं बाई चांस किसी वजह से तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 अटैम्प्ट और मिलेंगे। टोटल 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 2 अटैम्प्ट और मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 300 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी और फिर इंस्टीट्यूट को बता के अगले दिन की एक और सीट बुक करनी पड़ेगी। तो ये आपके सामने एक सैम्पल सर्टिफिकेट है जो कि आप मास्टर चेकर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको देख लें कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो वो एक मास्टर चेकर के थ्रू है और एक और तरीका है डाउनलोड करने का, वो आप तरीका आपको मिल जाएगा। इससे आगे चलने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग नए वीडियोज़ और बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाते।